हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें क्या है कि सेट में कुछ क्वेश्चन पाया जा रहा है, उसमें आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या है, उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और इसका जो लैंग्वेज आपका रहेगा ये हिंदी रहेगा। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करके दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के सिद्धांत या लक्ष्य प्राय लिखित दस्तावेजों के रूप में होता है। जैसे अगर बात करें विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति एवं व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कहीं एक ही दल सर्वे सर्वा यानी कि डोमिनेंट होता है, कहीं मुख्यतः दो दल होते हैं, किंतु बहुत से देशों में दो से अधिक दल होते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक दल समाज व्यवस्था के लक्ष्यों, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन, परिवर्तन के अवरोधों और सामाजिक आंदोलनों में से संबंधित होते हैं। राजनीतिक दलों का अध्ययन समाजशास्त्री और राजनीति शास्त्री दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर है। समाजशास्त्री राजनीतिक दल को सामाजिक समूह मानते हैं, जबकि राजनीतिक दलों को आधुनिक राज्य में सरकार बनाने की एक प्रमुख संस्था के रूप में देखते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो राजनीतिक दल की संरचना में कुछ ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य समूह से अलग करती है। राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना होता है। इसमें दल का नेता विधायिका पर अधिकार हथियाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचना एवं समितियाँ होती है जो भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य या राजनीतिक विचारधारा को लेकर साथ जुड़े रहते हैं। हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथ में होता है जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्थिरीकरण व्यवस्था में विभाजित होता है और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तता पाई जाती है। दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। एक सदस्य दूसरे सदस्यों को दल की गतिविधि की जानकारी देते रहते हैं। नए सदस्यों के लिए दल में सदस्य के द्वारा हमेशा खुले रहते हैं 87। यही एक खुली संरचना होती है। कुछ लोग दल के सदस्य इसलिए होते हैं, उन्हें समाज उसके कारण एक विशेष स्थान मिल जाता है। उपयुक्त लक्षणों द्वारा राजनीतिक दल को अन्य संगठन से भिन्न करके देख सकते हैं। राजनीतिक दल का गठन समाज व्यवस्था की दो विशेषताओं द्वारा पाया जाता है। राजनीतिक शक्ति का आधार वोट है, अर्थात विधायिका या निर्धारण मतदान प्रणाली से किया जाता है। विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, अर्थात राजनीतिक शक्ति को सत्ता हथियाने के लिए परस्पर होड़ रही होती है। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। आई होप ऑल आर फीलिंग वेल, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।